मैं जगदीश कुमार लोहार जोधपुर राजस्थान से हूं और मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं। तो ये हमने एक जोधपुर से लद्दाख तक का एक स्कूटर मिशन निकाला है और इस मिशन का उद्देश्य जो है वो एक सामाजिक उत्थान के कार्य के लिए। पहले भी हमने इस तरह के मिशन किए हैं, ये हमारा राजस्थान से बाहर चौथा मिशन है। तो इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे जो साइड व्हील वाले स्कूटर्स हैं या तिपैया स्कूटर है, ट्राई स्कूटर्स है, वो दिव्यांग लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए कंपनी के द्वारा निर्मित मानक रूप में आने चाहिए। इंडियन मार्केट में कंपनीज के द्वारा निर्मित ऐसे स्कूटर्स मिलते नहीं है और इनको टू व्हीलर्स की फॉर्म में खरीद के दिव्यांग लोग अपने स्तर पर मॉडिफाई करवाते हैं, जो कि टेक्निकली, इकोनॉमिकली एंड लीगली जो है वो मान्य नहीं होता है। और ऐसे स्कूटर्स होते हैं उसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं। इस उद्देश्य से हमने ये मिशन 30 मई को जोधपुर से शुरू किया था और हम 6 मई को मनाली सरचू होते हुए लेह पहुंचे थे। हमारा ये मिशन एक पुनीत कार्य के लिए जो है वो किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वो ये है कि तीन पहिए वाले जो स्कूटर्स होते हैं, ट्राई स्कूटर्स होते हैं, वो देश के दिव्यांग लोगों के लिए और देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोग में आते हैं और ऐसे स्कूटर्स जो है कंपनीज के द्वारा निर्मित देश में आने चाहिए। अमूमन ऐसा होता है कि दिव्यांग लोग दो पहिए वाले व्हीकल्स को खरीद के लोकल मार्केट में अपने स्तर पे इनमें मॉडिफिकेशन करवाते हैं। तो ऐसा मॉडिफिकेशन जो है वो टेक्निकली, इकोनॉमिकली और लीगली वैलिड नहीं होता है, उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मान्यता नहीं देता है।